जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने जोन के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की। मासिक समीक्षा बैठक के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक ने जिलेवार अपराधों की जानकारी हासिल की और माफियाओं पर लगाम लगाने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए। जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान ने आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों में सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बीएस चौहान ने मंगलवार को कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों की मासिक बैठक लेकर घटित अपराधों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पर्व और त्योहारों पर बाजारों में यातायात व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं, अभी ये महीना त्यौहार का शुरू हो गया है, सावन का महीना चल रहा है, समापन की ओर है, मुहर्रम की बैठकी ताजियों की हो चुकी है, उनके है आगे रक्षाबंधन है, फिर गणेश जी की है, जन्माष्टमी है, तो ये जो त्यौहार हैं ये सब बाज़ार में भीड़ भड़ाके इलाकों में मनाए जाते हैं, तो बाज़ार की व्यवस्था और यातायात संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कहीं कोई शांति से त्यौहार मने, कहीं किसी के ख़िलाफ़ छीना झपटी या बाजार में किसी प्रकार की धोखाधड़ी, चोरी की घटनाओं ना हो, उनके लिए सिविल में भी कुछ फोर्स तैनात किए जाए। पुलिस महानिरीक्षक ने शराब माफिया, राशन माफिया, खनन माफिया पर लगाम लगाने और प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। शराब माफिया के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर की गई कार्यवाही की भी पुलिस महानिरीक्षक ने जानकारी हासिल की। कई प्रकार की शराब, कच्ची, महुआ वाली और देसी अंग्रेजी शराब, विभिन्न प्रकार के वाहनों के माध्यम से और अलग जिले से अलग से भू जो शराब माफिया हैं, वो जो परिवहन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसकी समीक्षा की गई और आगे ये अभियान अभी हमारा जारी रहेगा। शराब माफियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में गुमशुदा बालक बालिकाओं की पतासाजी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान की प्रगति की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने अब तक दस्तयाब किए गए गुमशुदा बालक बालिकाओं के संबंध में जानकारी हासिल की और अभियान को प्रभावी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए।